गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन हाउ आर यू वेलकम टू मैथ्स क्लास फाइव चैप्टर फोर्टीन सर्कल पार्ट टू सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट वन चिल आज फोर्टीन पॉइंट वन का सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन नेम द रेडी डायमीटर्स कोट्स एंड एनी फाइव आर्क्स ऑफ द गिवेन सर्कल एक सर्कल दिया हुआ है इसमें आप को नेम लिखना है रेड्डी का रेड्डी मीन्स की मोर देन वन रेडियस डायमीटर्स का नाम लिखना है कोड्स का लिखना है और फाइव आर्क का लिखना है तो फर्स्ट चिल्ड्रेन रेड्डी रेड्डी के बारे में आप जानते हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस इन फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो वी हैव डिस्कस्ड तो आप देखिए सेंटर इस सर्कल का ओ है तो ओ टू पी देखिए ओ पी एक रेडियस है तो ओ पी लिख देंगे ओ क्यू भी रेडियस है सेंटर टू सर्कल को ज्वाइन कर रहा है ओ क्यू भी रेडियस हो गया ओ टू टी सेंटर टू सर्कल ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ओ टी भी रेडियस है ओ एल भी रेडियस है और ओ एम ये फाइव रेडी इस सर्कल में है चिल्ड्रन तो ऑलरेडी हो गया OP और चूंकि रेडियस जो है लाइन सेगमेंट होता है तो इसलिए ये लाइन सेगमेंट का सिंबल ऊपर लगाते हैं ठीक है OP के ऊपर ये सिंबल जो है ए लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है ठीक है अगर इसको कर्व इस पर डाल देंगे तो आर्क को रिप्रेजेंट करेगा जैसा कि पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे ठीक है तो रेडी हो गया OP OQ OT OM OL ठीक है अब डायमीटर्स डायमीटर्स क्या होता है चिल्ड्रेन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर तो देखिए सेंटर से कौन सा लाइन पास कर रहा है इस ओ से होकर के पी क्यू पी क्यू सेंटर से पार कर रहा है और सर्कल को दो जगह कट कर रहा है तो ये पी क्यू एक डायमीटर हो गया एल एम एल एम भी सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है सेंटर से पास कर रहा है तो पी क्यू एंड एल एम आर डायमीटर्स कोर्स क्या होता है चिल्ड्रेन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट सर्कल तो एसक्यू एस और को ज्वाइन कर रहा है एक हो गया पीटी भी एक लाइन सेगमेंट है जो कि कोड है पी क्यू पी क्यू देखिए सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो पी क्यू भी एक कोड हो गया हालांकि चिल्ड्रेन तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे स्टार्टिंग वीडियो में कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द दा सर्कल डायमीटर तो यह है ही एक कोड भी है ठीक है तो पी क्यू भी कोड हो गया और एल एम ए भी सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है सेंटर से भी पास कर रहा है या सेंटर से पास नहीं कर रहा है क्योंकि कोड का डेफिनेशन में ए लिमिटेशन नहीं है कोड किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को कहते हैं तो एल एम भी कोड हो गया एल एम डायमीटर भी है कोड भी है चाहे वो सेंटर से पास करे या ना करे ठीक है तो क्लियर है कोड और डायमीटर्स में क्या अंतर है ऑल डायमीटर्स आर ऑल्सो कोड ठीक है तो पी क्यू और एल एम जो है डायमीटर्स में लिखे थे कोड में भी लिख दिए पी क्यू और एल एम ठीक है इसके अलावा भी टू कोड्स और था एस क्यू और पी टी जो कि सेंटर से पास नहीं कर रहा था लेकिन ये कोड है ठीक है अब आर्क्स आर्क्स क्या होता है चिल्ड्रेन कर्व लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल सर्कल का पार्ट होता है आर्क देखिए एस एल देखिए एस और एल सर्कल पर दो पॉइंट्स है तो ये जो कर्व है एस एल ये एक, एक आर्क है तो आर्क का ये सिंबल है चिल्ड्रेन इसमें सीधा लाइन नहीं दिए देखिए एक कर्व दिए हैं तो इसको पढ़ते हैं आर्क एस एल उसी ढंग से आर्क एल क्यू आर्क एल क्यू उसी ढंग से आर्क क्यू टी उसी ढंग से आर्क टी एम उसी ढंग से आर्क है एम पी तो बहुत सारा आर्क हो सकता है पी एस कुछ भी आर्क हो सकता है एक सर्कल पर जितना भी पॉइंट लगाएंगे और किसी भी दो पॉइंट के को ज्वाइन जो, जो करने वाला कर्व होगा वो आर्क कहलाएगा तो हमें फाइव आर्क्स का नाम लिखना था तो फाइव आर्क्स का नाम लिख दिए ठीक है चिल्ड्रन अब क्वेश्चन नंबर टू है ड्रॉ सर्कल्स ऑफ द फॉलोइंग रेड्डी यूजिंग अ कंपास तो स्टार्टिंग वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोग सर्कल ड्रॉ करने का स्टेप्स सीखे थे चिल्ड्रेन जिसमें कि पहला स्टेप्स क्या बताया गया था उस वीडियो में कि फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस यहाँ पर कितना रेडियस का खींचना है सर्कल चिल्ड्रेन फोर सेंटीमीटर का तो फर्स्ट स्टेप है कि फोर सेंटीमीटर रेडियस का एक फोर सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच लें ठीक है चिल्ड्रेन फोर सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं तो देखिए हमको यहाँ पर सर्कल खींचना है तो फोर सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं जीरो से फोर सेंटीमीटर ठीक है चिल्ड्रेन ये फोर सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच लिए इसका कुछ नेम दे देते हैं सपोज ओ ए नेम दे देते हैं ठीक है हमको एक सर्कल खींचना है जिसका रेडियस का लेंथ होना चाहिए फोर सेंटीमीटर तो फोर सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींच लिए स्केल से मेजर करके अब दूसरा स्टेप क्या था चिल्ड्रेन कीप योर कंपास एट पॉइंट ओ एंड ओपन इट ऑफ़ लेंथ फोर सेंटीमीटर ये कितना का खींचे हैं फोर सेंटीमीटर ए रेडियस का जितना लेंथ दिया हुआ उतना खींचे हैं अब ये कंपास के पॉइंटर को ओ पर रखते हैं क्योंकि ओ को हमको सेंटर बनाना है सर्कल का ठीक है अब कंपास को खोलेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे देखिए कंपास को खोल करके ए तक ले जाएंगे क्योंकि हमको रेडियस फोर सेंटीमीटर चाहिए तो मतलब फोर सेंटीमीटर कंपास को खोल दिए अब देखिए कंपास को देख सकते हैं ध्यान से ए तक जा रहा है थर्ड स्टेप क्या है चिल्ड्रेन कीपिंग द पॉइंटेड टिप ऑफ द कंपास एट ओ कंपास का पॉइंटेड टिप को ऊपर रखना था थर्ड स्टेप में और जो अदर एंड है मतलब पेंसिल वाला एंड को मूव करना है क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज देखिए अभी हम लोग एंटी क्लॉक वाइज घुमा रहे हैं एंटी क्लॉक वाइज मतलब जानते हैं चिल्ड्रेन घड़ी के विपरीत दिशा में ठीक है इस तरीके से कंपास को घुमाते हैं फिर वापस ओ से स्टार्ट करके ही पर ले जाते हैं ठीक है चिल्ड्रन देखिए ओ से स्टार्ट किए थे ओ पर आ गया कंपास घूम करके इस तरीके से हम लोग का सर्कल तैयार हो गया ठीक है चिल्ड्रन आप स्पेस लेके बनाइएगा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखे थे उस पर चला गया यहाँ पर स्पेस कम लिए ऊपर तो ठीक है तो ये आपका सर्कल इस तरीके से ड्रॉ हो गया तो बहुत ही आसान है सर्कल ड्रॉ करना चिल्ड्रेन जितना रेडियस दिया हुआ है उसना का एक लाइन सेगमेंट खींच लीजिए और एक एंड पर पॉइंटर रख दीजिए दूसरे एंड पर पेंसिल ले जाइए और उसको क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज घुमा दीजिए आपका सर्कल तैयार है ठीक है दूसरा वैसे ही है फाइव सेंटीमीटर रेडियस का तो फाइव सेंटीमीटर आप रेडियस ड्रॉ कर लेंगे ठीक है चिल्ड्रेन फाइव सेंटीमीटर आप रेडियस ड्रॉ कर लेंगे और देखिए फाइव सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रॉ कर लिए फाइव सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ कर लिए इसका कुछ नेम दे दीजिए जैसे मान लिया कि नेम दे देते हैं पी क्यू पी क्यू रेडियस हो गया सर्कल का जिसका लेंथ है फाइव सेंटीमीटर ठीक है अब कंपास के पॉइंटर को यहाँ पर रखेंगे पी पर ठीक है और ओपन करेंगे क्यू तक क्योंकि हमको रेडियस फाइव सेंटीमीटर चाहिए ठीक है अब यहाँ पर रख करके आप क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज इसको घुमा देंगे ठीक है जैसे इधर की तरफ अगर घुमाएंगे तो क्लॉक वाइज कहला कहलाएगा ये घड़ी के दिशा में है ना घड़ी के डायरेक्शन में घड़ी का जो हैंड चलता है जिस डायरेक्शन में उसको बोलते हैं क्लाक वाइज डायरेक्शन इस तरीके से आपका सर्कल तैयार हो गया चिल्ड्रेन ठीक है तो इसी का तरीके से आप किसी भी रेडियस का सर्कल खींच सकते हैं चिल्ड्रेन जैसे नंबर सी में सिक्स सेंटीमीटर का है तो सिक्स सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट आप इस तरीके से खींच सकते हैं और कंपास का पॉइंटर को इसके ने इसको नेम दे सकते हैं कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे ए बी भी दे सकते हैं इस रेडियस का नाम ए पर पॉइंटर रख करके कंपास का बी पर पेंसिल का टिप को ले जाएंगे और इसको क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज डरेक्शन में आप इसको घुमा सकते हैं और इस तरीके से आपका सर्कल तैयार हो जाएगा तो ऐसा है कि आप किसी भी गिवन रेडियस का सर्कल खींच लेंगे चिल्ड्रेन जैसे डी में है 2.5 सेंटीमीटर का 2.5 सेंटीमीटर का एक रेडियस खींच लेंगे और कंपास को रख करके आप सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो सर्कल ड्रॉ करना बहुत ही आसान है तो आज के लिए इतना ही चिल्ड्रेन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं जिसमें मेजरिंग सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल के बारे में पढ़ेंगे सर्कल का सर्कम्फेरेंस को मेजरमेंट करेंगे सर्कम्फेरेंस क्या होता है चिल्ड्रेन बाउंड्री ऑफ द सर्कल जैसे ये जो सर्कल हम लोग ड्रॉ किए इसको हम लोग रेक्टेंगल और अदर फिगर में पेरीमीटर बोलते हैं मतलब पेरीमीटर मतलब एक राउंड लगाएंगे अगर किसी सर्कल का तो जितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरकम ऑफ सर्कल ठीक है पेरीमीटर का दूसरा नाम है सर्कम ठीक है तो सर्कल चूँकि राउंड होता है इसलिए इसको सरकम बोलते हैं ठीक है पेरीमीटर को ही सरकम बोलते हैं तो पेरीमीटर फाइंड करना सीखेंगे थ्रेड के मदद से क्योंकि सर्कल का जो पेरीमीटर है इसको हम लोग स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं क्योंकि राउंड है स्केल से तो हम लोग स्केल से तो हम लोग स्ट्रेट लाइन को मेजर कर सकते हैं अभी राउंड को मेजर करने के लिए क्या करना होगा चिल्ड्रन थ्रेड लगाना होगा चारों तरफ और थ्रेड को सीधा करके उसके लेंथ को मेजर करके हम सर्कम फाइंड कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में उसमें उसमें देखेंगे सरकम कैसे फाइंड करते हैं और सरक्र सर्कम और डायमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है सर्कल का उसके बारे में जानेंगे तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए सर्कल ड्रॉ करने का और सर्कल से रिलेटेड एक्सरसाइज और रिलेटेड टर्म्स को लर्न कीजिए और अगर यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए क्योंकि आप वीडियो को शेयर करके बहुत सारे स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचा सकते हैं धन्यवाद